भेजते हो अबाउट थ्रू। थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते थे? वेट ही तो कर रहा हूँ, गार्डन में आओ। What? पहले मैं, नेहा की शादी पक्की हो गई है, रणवीर मान गया। अरे किच्चू, नहीं गोपाल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आई नो, नेहा बहुत खुश होगी ना? हाँ, फाइनली नेहा खुश होगी हमेशा के लिए। मैं ना पहले नेहा से ही मिलने जाऊंगी, फिर आंटी जी से। आई नो, मुझे पता था नेहा, निकी, रिया, माँ इन सबसे मिल लेती तो मेरी बारी कब आती, इसीलिए। गोपाल कहाँ हो तुम? मुझे जाने दीजिए ना। क्यों? आंटी जी आ जाएगी। फाइन, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना। आज आप लेट आओगे ऑफिस से? क्यों? नहीं वो मैं बस ऐसे ही। मुझे जाने दीजिए। जी आ जाएगी तो मुझे जाना होगा। जाओ। I don't believe this. हमारी शादी पक्की हुई और आज सुबह सुबह आप मुझे यहाँ ले आए? रणवीर, आपको सर कहलाने का इतना शौक है? ये मैं नहीं जानती थी। नेहा, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? और वैसे भी हमारी स्टोरी भी तो यहीं से शुरू हुई थी ना। कैसी फिल्मी बातें लगती है ना। हम पास आए फिर दूर हो गए, रिश्तों का टूटना और टूट के फिर से जुड़ना। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। किस तरह माँ ने हम दोनों को ये रियलाइज करवाया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। और ये कि आप मुझसे कितना प्यार करते, मेरे लिए कितना सीरियस है आप। आपने जो उस दिन कहा, आज तक मुझे किसी ने भी इतना जरूरी नहीं समझा। रणवीर, क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी हूं जितना तुम मेरे लिए हो, हूं ना? तुम मेरा साथ दोगी ना? सोच कर बोलना, अगर तुम हां कहोगी तो ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा और उसके बदले में आई प्रॉमिस तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा मैं। आई प्रॉमिस। स्टैंड बाय मी, वॉक विद मी फॉरएवर। रणवीर के घर वाले तो शादी जल्दी करना चाहते हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी? हम लड़की वाले कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, समझते नहीं है कोई, कैसे होगा सब कुछ? आंटी जी, कुछ करने से पहले आप ये पी लीजिए। तू भी नहीं समझती न्यूट्रिशन, क्या घूम है, कैसे होगा ये समझ में? माँ, पी लेना जूस। अब तो पीना ही पड़ेगा, लो लो जल्दी पीजिए। सच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ।
कैसे होगा सब? तू टेंशन क्यों ले रही है? तुझे सिर्फ ऑर्डर देना है सबको, सबको भी नहीं सिर्फ मेरे को। मुझे बता क्या टेंशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। माँ, ये लो। फिर मत बोलना कि मैं कोई काम टाइम पे ही नहीं करती। ये कौन सा काम किया तूने? इतना बड़ा काम किया है मैंने, मैंने अपनी लिस्ट ना अभी से रेडी कर दी है। तेरी कौन सी लिस्ट है भैया? आप कभी कुछ नहीं समझते। अरे बड़ी बहन की शादी है और इतना बड़ा काम तो हो गई। एक एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करना, उनके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी, एंड देन उसके साथ मैचिंग शूज, एंड समझ गए, तूने अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना ली है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बहुत बड़ा काम किया तूने मेरा सच में। जा अब कुछ काम कर ले और। मैं तो हुई सबसे बेस्ट, क्यों दी? देख बच्चों को तो अपनी पड़ी है, यहाँ हम रणवीर के घर वालों से मिले भी नहीं अब तक। मतलब तू तो मिलकर आ गया, पर अब सोच रही हूँ कि मैं भैया भाभी जाकर मिलाते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सोचा है उन्होंने, कोई मुहूर्त निकाला है या हमें निकालना है। माँ तू चिंता मत कर, तू जा मामा मामी के साथ में, मिला उनसे, और अगर तुझे लगे मेरा आना जरूरी है तो मुझे भी कह दे। नहीं वैसे तू तो मिलाया ना उनसे, अब तेरी जरूरत नहीं है, हम बड़े संभाल लेंगे। वैसे भी तेरी मामी कह रही थी कि आजकल तूने काम में दिल लगाना छोड़ ही दिया है। बिल्कुल दिल ही तो लगाया मैं। मैंने भी यही कहा उनसे। अच्छा ठीक मैं चलता हूँ। हाँ जी तरह आंटी जी वो दवाई बैठ ना। बहन की शादी से कितना खुश है मेरा बेटा, इतना शांत मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे मेरे बेटे को। आंटी जी मैं चलती हूँ। डॉक्टर दीदी। हाँ? आपके लिए ये आया। मेरे लिए ये क्या है? आप बोलकर बताएं। नहीं वो मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक भेजने वाले ने नाम तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं गेस तो कर सकती हूँ कि किसने भेजा है। तुम्हें साड़ी में देखा तो है, पर तब तुम किसी और के लिए सच कर आई थी। इस बार सिर्फ मेरे लिए ये पहन कर आना, 8 बजे मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। देव वाओ सो ब्यूटीफुल। इयररिंग्स और नेकलेस भी। मिस्टर ओबू तो आपने इतना सारा कुछ किया सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए जब मैंने आपको पूछा कि आप शाम को लेट आओगे तो आपने कुछ नहीं कहा। वेरी स्मार्ट। अरे बाबा मिस्टर दीक्षित तुम ये एक्ट ऑफ इम्पॉसिबल, अब मैं ये आपके फैमिली के सामने कैसे पहनूं? माँ जी ये कौन सी गाड़ी में रखूं? बोला भैया छोटी वाली में रखना, बड़ी वाली हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं हम छोटी वाली लेके जाएंगे, बड़ी वाली। अच्छा अच्छा तो ससुराल वाले पे टशन छाड़ना है। निक्की इतना उछल उछल कर वैसे जा कहाँ रही हो तुम लोग? हाँ अरे माँ भैया ने ना हमारी मूवी के टिकट्स कराए हैं और गिफ्ट कार्ड भी दिया है। ओह यस सुनो जी आप ही हमारे चरण। नहीं वो हाँ हाँ न्यूट्रिशन चली जाओ, वैसे भी हम लोग घर में ही नहीं होंगे तो काम क्या होगा। तो बोल दो भैया को टिकट बुक कराने के लिए। चलो ना सोना दी, वैसे भी आप तो आपकी इवनिंग फ्री है ना। नहीं नहीं वो अब आंटी जी मुझे घर जाना होगा। अरे एक दिन चली जाओगी तो बुरा नहीं होगा। इतना क्यों सोच रही हो? आई एम सॉरी नेहा, आई नो सब लोग एंजॉय करेंगे लेकिन मुझे घर पे जाना होगा।
निक्की रहने दो ना अभी, अगर वो आ सकती तो जरूर आती, किसी और दिन चले जाना ठीक है भाभी। चलिए हम देख लेते एक बार, चलिए भोला ने सारा सामान उठाया भी है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम से नो बहाना। ओके सॉरी। हम रेडी हो गए। अच्छा तो आपको पता था कि घर पे कोई नहीं होगा, इसीलिए तो वेरी स्मार्ट। ये सब डिटेल्स को हमें थरली स्टडी करना होगा, मार्केटिंग ही हमारा सबसे मेन टूल है और इन डिटेल्स को भी देखना जरूरी है। बनी वो निक्की ने लिखा होगा एक्चुअली। हाँ निक्की करती है सब काम, माय सिस्टर। डॉक्टर भोला भैया, भोला भैया वो शाम को कुछ नहीं बनाना है तो मैं कल की तैयारी कर रही हूँ ठीक है, और कल ना स्पेशल डिश बनेगा मैं बनाऊंगी, आप बाकी का काम जाके निपटा लीजिए, और ये सूप आप आंटी जी को दे आइए ठीक है। ठीक है डॉक्टर दीदी। क्या कर रही थी बंगालन? मैं कुछ नहीं। ओह मैं भी ना, डॉक्टर जी कहाँ कुछ करती है। तो किचू का भाई कहाँ है? वो आंटी जी को सूप देने गए। ठीक है जब वो आए ना तो उससे कह देना कि जो महंगे वाले तोहफे हमने लड़के वालों के लिए लिए हैं ना वो बड़ी वाली गाड़ी में रखवा दे, और हाँ उससे कहना कि तैयार रहे, नहीं तो वहां जाकर गाड़ी से सामान उतारेगा कौन। जी क्या दूंगी। नहीं कह दोगी? नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं कहोगी उससे? ओह हाँ अब तो बहुत बड़ी डॉक्टर नीजी है, फिर मेरा कहा हुआ भला आप भोला से कह नहीं सकती ना। नहीं नहीं आंटी जी वो मेरा ये कहना नहीं था, वो अब अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो राइट साइड से मुड़ना चाहिए, लेफ्ट साइड से मुड़ना थोड़ा अशुभ होता है। मैं पहले से जानती थी, तू टोटका कर रही थी ना। ये टोपका क्या होता है? अरे टोपका नहीं टोटका, टोटका। चल छोड़ किससे बहस कर रही, पर मैं भी ना बाएं से ही मुड़ के जाऊंगी। बढ़िया ये तो तेरी नजर मेरी भांजियों के आयरिंग पर थी ना। बढ़िया आई निक्की। कब से आवाज लगा रही तुझे, हांजी तू बोला कर। हांजी चुप, इधर कान दिखा। ये भी दिखा, तू भी दिखा इधर। अरे दिखा। अरे मामी कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ ढूंढ रही हूँ कि तुम दोनों की अकल है कहाँ। कभी कभी लगता है कि तुम दोनों के कान में झांक कर देखूंगी ना तो दूसरी तरफ की दुनिया नजर आएगी मुझे, क्योंकि अकल तो है नहीं तुम दोनों के पास। मामी सुपर रूड। ये सुपर पूपर बंद कर और ये बता आपने आयरिंग कहाँ छोड़कर आई थी? इयररिंग। हाँ भाई बहुत प्रिटी है प्रिया दी, आपने मुझे दिखाई क्यों नहीं? निक्की तेरे है तो मैं तुझे कैसे बताऊंगी, तुझे बताना चाहिए ना कि तूने इतने प्रिटी इयररिंग्स लिए। मेरे नहीं है, आपके नहीं है, मतलब ये हमारे नहीं है। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों के नहीं है तो नेहा के होंगे ना, कितनी बुद्धू हो तुम दोनों। हे भगवान पर इतनी सुंदर इयररिंग्स, के रणवीर जी ने तुम्हें दिया?
एक काम करते हैं, नेहा दी से पूछ कर आते हैं, ठीक है ना? निक्की, रिया, जल्दी करो। आई दी, मामी दो ना। ये ले। आ तो गए। वैसे दी, आपने इतने क्यूट इयररिंग्स लिए और हमें बताया भी नहीं। जीजू ने दिए ना, सो रोमांटिक। ये मेरे नहीं है लेकिन सच में बहुत क्यूट है। मेरे हैं। वो एक्चुअली बैग से गिर गया था और मामी जी को लगा कि हम जानते हैं कि मामी आपको बहुत परेशान करती है ना। लीजिए, यहाँ पे बहुत सुंदर लगेंगे। थैंक यू। यू गाइस हैव फन। थैंक्स। बाय बाय। जी जी, हम लोग तैयार हैं। आ जाइए, देर हो रही है। समझो कि छोटे घर नहीं जाना है क्या? आई भाभी। राधा रानी, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अगर तुमने वहाँ कोई बकवास की ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हम लड़की वाले हैं, अपनी मर्यादा मत भूलना। हाँ भाई। चलो। अरे न्यूट्रिशन, तुम अभी तक घर नहीं गई? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में छोड़कर आगे चले जाएंगे। नहीं 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 आंटी जी, मैं चली जाऊंगी। वो अभी घर से मैसेज आया कि माँ बाबा के लिए वो क्या दवाई लेनी है, तो आपको उल्टा पड़ेगा ना, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, वहाँ से चले जाएंगे ना, चलो। अरे मानती हूँ कि देव की गाड़ी बहुत बड़ी है, पर टैक्सी नहीं है कि सबको छोड़ते फिरे। दीदी हमें क्या पहले देर कम हो रही है, अब चलिए। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट आंटी जी, आई नो सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए भाभी, तोहफे गाड़ी में रख दिए? हाँ सब हो गया है। चलिए। पूरा घर खाली, बस मैं और देव। मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हैं? ओरे बाबा, कितना सुंदर है ये। मैं ये पहनूंगी? हाँ। Are you sure मैं इसमें अच्छी लगूंगी? पता नहीं। पता नहीं तो मुझे ये क्यों दिया? पर मैं अब मैं ये पहन के आपके सामने कैसे हूँ? गाड़ी की आवाज तो सुनी थी। ओनो, कोई और तो नहीं आ गया? सुना तू तो गई। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे पता था कि जब ये सिंपल से इयररिंग्स आप पहनेंगी तो ये स्पेशल बन जाएंगी। थैंक यू इन्हें इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो पता है, आज मैं इनमें से एक खो देती।
मुझे पता नहीं था कि आप शर्माती भी हैं मिस बोस। ये साड़ी वो ठीक तो लग रही है ना? मुझे तो लगा था कि ये साड़ी आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। ओ गॉड, आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी मेरे लिए और अच्छी भी नहीं लगी। एक्चुअली ना मुझे साड़ी ठीक से बांधनी भी नहीं आती। लास्ट टाइम तो निकी और आंटी जी ने ऑफ कोर्स आप पे साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। दैट्स नॉट द पॉइंट। साड़ी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, मैं तो लास्ट में ही नोटिस करूंगा ना। पर इतनी महंगी साड़ी कोई नोटिस ना करे तो क्या फायदा? आपने ऐसे कल लौटा दीजिए। केयरिंग्स, आपकी साड़ी, उनसे प्यार नहीं करता मैं। आप कितनी खूबसूरत, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं मैं। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.